ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਦਾਰ
एक समान तेरा सुनाम सुने सुत पार करियो निस्वासुर एक समान तेरा सुनाम सुने सुत पार करी हर नाम दियो हर नाम दियो फतेह गज के बुलाओ
सुस्ती लै जाती है ते जे गज के जकारा छड़ दिता जाए तो मुर्दे भी उठ के खलो जाते हैं। इन रहमत है सतगुरां दी इन्हां बोलां दे विच। इस करके फतेह ढिल्ली जी ना होवे फिर आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, क्योंकि फतेह के नाल असीं तुहाडा हंगारा प्राप्त कर रहे। सुन रहे हो भगत भीखण जी कथा करते सन, मैनूं कुदरती गल याद आ रही, तो जिहड़ा इलाके दा चौधरी सी सारिआं तों अगे बह के सुन रहा सी कि आपां इंज नहीं करते, मैं तां तुहानूं ध्यान दिवाउण लगा। वो कथा करते करते कहिंदे चौधरी जी जागदे हो, जिस तरह आपां कहिंदे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, एक ढंग है ना, वो विच कह दिया करन चौधरी जी जागदे हो, कहिंदे हाँ जागदे हां तुसीं कथा करो। दूजी वार हो गया, तीसरी वारी हो गया, चौधरी खफा हो गया, भगत जी का मेरे से ध्यान है सारी संगत पड़ी, वो कहिंदा मैं जागता है तुसीं मेरे वाल ही क्यों तकदे हो, कथा करो ना तुसीं। भगत जी ने तीसरी वारी फिर उन्हें पैंतड़ा बदल लिया, हर वारी तो कहिंदे सी जागदे हो, इस वारी कहिंदे भगत जी जिउंदे हो, चौधरी जी जिउंदे हो, कहिंदे नहीं नहीं नहीं, कहिंदे हुण सच बोलिया, पहली हर वारी कह दिंदा हाँ जी हाँ जी, हुण कहिंदा नहीं बिल्कुल नहीं, हुण सच बोलिया। ते कई वारी बंदा संगत दे विच बैठा हुंदा है, नेत्र बंद होंगे ने, तो असं बैठे बैठे सौ जाते, उदों पता लग जाता जो भाई जी आनंद साहब बन गए। ऐसी समाधि ना हो, महाराज कृपा कर, जोड़े शब्द गाए ने सानू पता हो तुसीं इन्ने शब्दों का कीर्तन किया, यह तुहाडा विशा सी कीर्तन का। खैर अज जो आप जी का समागम है ना, ये है शुकराना। शुकराना पता कौन करता, जिहड़ा गुरु नूं प्यार करे, गुरसिख। शुकराना कौन करता है, जिहड़ा अपने पिता का लायक पुत्र होवे। तो पुत्र कदे शुकराना नहीं करता अपने प्यो का, कहिंदे तू मैनूं की दित्ता, प्यो कहिंदा पुत्र मैं तैनूं पढ़ाया है, लिखाया है, तैनूं जमया पालिया वड्डा कीता, वो कहिंदा तू सारे करदे तू कर दित्ता फिर कि करा। कबूतर जेड़े ने पिता तो आकी हो जाते हैं, वो कहते जे तू मैं जमया पढ़ा दिता चार जमाता मैं नौकरी दवा दी, दो चार जे किले सन जे तू मैं देते तो लोगों के प्यो भी देते ने, तू वक्ता की कर दिता है मेरे वास्ते। पर भुल बैठा कि पिता जे तू ना हो तो मैं इस धरती से किवें होता, वो वक्री गल है। जे कि प्यो के कपड़े पुत्र आ जा, जोड़ा भी आ जाए, वो मता सोचे कि हुण मैं प्यो दे बराबर दा हो गया, चार जमातां वध पढ़ लईआं, कमाई वध कर लई। एक मन च ख्याल करो, जे पिता ना हुंदा ते पुत्र दी होंद नहीं सी, कबूतर जिहड़ा है ना वो कदे शुकराना नहीं करता, वो कहिंदा बापू तू कुछ वखरा नहीं कीता, सारी इस तरह कर रहे, तू मैनूं की दित्ता। वो जदों भी प्यो नूं मिलेगा शिकवा करेगा, गिला करेगा, शुकराना नहीं करेगा। दूसरा है सपुत्र। सपुत्र कहिंदा बापू तेरे करके मैं इस धरती ते आया, मेरी मां जे तुसीं ना होते तो मैं ना होता। उन्हें चार जमातां वध पढ़ लईआं, प्यो नालों कद काठ दा उच्चा हो गया, बुद्ध भी चंगी, पढ़ाई च भी चंगा, कमाई च भी चंगा, प्यो नालों कई गुणा अगे उन्हें छलांग मारी है। पर दोवें टाइम प्यो दे चरणा च मत्था टेक के कहिंदा बापू तेरिया असीसा ने ना तू मैनू अपने नालों कितना अगे वधा के जोड़िया, तेरी कृपा ही है ना, जे तू मैनू जम दो ना असीसा ना दे दो, अज दुनिया से जिहड़ा मैनू ना मिलिया है ये तेरे करके मिलिया, मैनू मिलना नहीं सी। सपुत्र जिहड़ा है ना वो शुकराना करता, कदे गिला नहीं करता, बापू जो तू दिता है ना मैं तुहाडा शुकराना करना है, जो नहीं मिलिया उहदे करके मैं अपने प्यो नूं नीवा नहीं करना चाहुंदा, वो नीवा उहदी मैं पग नूं नहीं हेठी नहीं उहदी करनी चाहुंदा। सपुत्र दा इह क्या ते जदों आपां धार्मिक दायरे दे अंदर आउंदे इत्थे दो
पहलों मिलते ने मनमुख ते गुरमुख नेकी ते बदी सच ते झूठ अमीरी ते गरीबी अपना ते पराया ये दो चीजें ही बस इसलिए कोई मनमुख बंदा जेड़ा है ना वो कबूतर की तरह आता है रब्बा जे तू मैनू पैदा किया तो कि वक्रा कर दिता सारे पता जे मैनू रोजी रोटी दे दी है घर घाट दे दिता है तो फिर की हो गया तू सारे उन्हें जदों भी आना है गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद को जाता है पर गुरमुखों ने कभी शुकराना नहीं किया उन्हें शिकवा जरूर किया है गिला किया है मेरे गवानी के चार ने मेरे को दो क्यों मेरे नगर के विच लोगों के पचास पचास किले के मेरे पांच क्यों उन्हें इस गल से अड़िया उन्हें कभी शुकराना नहीं किया गिला शिकवा बस दूसरे पासे है गुरमुख जिन्हों गुरु सपुत्र करके प्यार करता है होए दयाल गुरु को मिलाया भाई सर भाई गुरदास कहते दूजे पासे गुरसिख है जिहड़ा गुरु नू पा गया गुरु का सपुत्र बन गया वो जदों भी गुरु कोल आउंदा है सतगुरु जी तुहाडा शुक्र है तुसी मैनू शरीर दित्ता मैनू माँ प्यो दिते मैनू धीआं पुत्र दिते भैण भरा पत्नी ये सारा कुटुंब बख्शिया तेरा शुक्र है तू मैनू कारोबार भी दिता परिवार दिता संसार दिता मैं दो डंग की रोटी खाना तो जदों मैं मनमुख बंदे की वृत्ति कुत्ते वेखण दी है वो करोड़पति वाल वेखता है तो अपने आप को कोसदा है तू लखपति क्यों है तू दो करोड़पति क्यों नहीं बने तू आपे कोसदा है परमात्मा कोसदा है ते दिने रात कल्पना दे विच कल्पी जाता है गुरसिख बंदा जेड़ा है ना वो अपने तो थले नू वेखदा है वो कहिंदा साईं तेरा शुक्र है मैं दो डंग दी रोटी खाना कपड़ा दिता है घर दिता है परिवार दिता है सारे जीवन दे सुख दिते ने सतगुरु चार बंदे मैनू प्यार भी करते ने इज्जत भी देंदे ने तेरा लख लख शुक्र है मैं कि जबान के नाल तेरा शुकराना करा जो मैं थले वेखदा है ना तो जेडे लोग बेचारे कूड़े के ढेर के जीवन लभते फिरते है तो भी मेरे वर्गे जम तो उन्होंने मेरे वर्गा ही है तुम वेख लैना गंदगी के लफाफे इकट्ठे करते उन्होंने अपना जीवन लभते ने सतगुरु जम तो मेरा उन्हों वर्गा ही है जेडे सारा सारा दिन सड़क के पत्थर तोड़ते हैं तो शाम को मसा पेट भर के रोटी मिलती वो भी नहीं मैं उन्होंने कितने चंगा ये तेरी कृपा ही है शुक्र है ना तेरा मैं करोड़पतियां वाल वेख के अपने आप को कोसता नहीं मैं कंगालों को वेख के तेरा शुकराना कर रहा मैं उन्होंने वाल जो वेखना है तो मेरे अंदरों शुकराने की एक अरदास निकलती है सतगुरु जिस तरह तू मैं बहुत कुछ बख्शिया है ना सारे बख्शे गुरसिख शुकराना करता है गुरसिख जिस तरह एक सपुत्र अपने दिती हुई प्यो की जायदाद प्यार करता है उन्होंने लटा नहीं बिगाड़ नहीं पाता वो कहते मेरे प्यो ने दिता है इन्हों संभाल के रखना है अज भी मैं कई ऐसे वीर वेखदा है वो भावें बाहर चले गए हैं तो बहरों आने को बाद उन्होंने कोठियां भी बना ली तुम वेख्या होगा तुहाडे इलाके विच भी ऐसे आने भावें उन्होंने दो दो किलिया के कोठियां खड़िया कर दित्तियां पर जिहड़ा पुराना प्यो का घर सी ना उन्हों छेड़िया नहीं ये कहते मेरे बापू की निशानी है इन्हों संभाल के रखना ऐसे सजन ऐसे मिलते ने मैं अज वो कहते असं बाहर चले गए हैं जां इत्थे सानू चंगीआं नौकरियां मिल गईआं भावें साडे कोले किसे टाइम ते दो डंग दी रोटी सी अज असीं करोड़पति बन गए हां कोठियां च रहिंदे हां वड्डे घर बन गए ने पर असीं आपणे बापू दे घर नूं छेड़िआ नहीं उहनूं संभाल के रख्या इस घर च साडा जन्म होया सी इस घर च मेरे पिता ने मैनूं पालिआ सी अज वी ज्ञानी इंद्रपाल सिंह होरी जदों साल च इक वारी पिंड जरूर जांदे विचवाड़ वी जांदे ਉਹੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਵਾਰੀ ਮੰਜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
अपना जो रब ने सानू विरसे विच दिता है उसनू प्यार करना, ते गुरसिख भी इसे तरह दाते दा शुकराना करता है, वो दिते दा शुकराना करता है, सतगुरु अज मैं जो कुछ भी हाँ तेरे करके ही हाँ। ते गुरु नानक साहब जी के बोल आप जी ने सरवण कीते, नदियां होवै ढेणवा सुम होवै दुध घीओ। महाराज कहते जे किते नदियां यह ढेन गाऊ कौआ बन जाण, ये गावां बन जाण, ते खीर दियां नदियां वग पैण, दुध दियां वग पैण, झरने घ्यो दे छुट पैण, धरती शक्कर बन जाए, हीरे जवाहरात पहाड़ बन जाण, मेरा मन 36 प्रकार के भोजन खा के खुशी च भौंदा फिरे। सतगुरु जी जे तुसी मेरी खुशी पुछो ना, ते मैं इको ही गल कहांगा, भी तू है सलाहना आखण लगे ना चाव। इन्नी दौलत दे हुंदिया सतगुरु मेरे मन की जिहड़ी रीझ है ना, वो ते सतनाम श्री वाहिगुरु दे विच है, वो ते अखां जीवा विसरे वर जाऊं दे विच है। जे मैनू कोई पुछे तेनू राज चाहिदा है तिन्ना लोकां दा, तेनू स्वर्ग चाहिदा है, तेनू सचखंड चाहिदा है, ते सतगुरु मैं तेरे चरणां च हथ जोड़ के इको ही बेनती करांगा, राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। सतगुरु कोई स्वर्ग मंगदा है, कोई मुक्ति मंगदा है, मैं नरक सुरग सारे छड छड़े बाबा मरदा। सतगुरु कहन लगे मरदानिया तेनू तिन्ना लोकां दा राज देईए, तेनू सचखंड दे दीए, बोल की चाहुंदा है, दुनिया ते तेरी यादगार कैद कर देईए। ते बाबा मरदाना कहन लगा, बाबा तू रब दा बंदा मैं तेरा बंदा, तू रब दा डूम मैं तेरा डूम, तेरी खुदा मन्ने मेरी तू मन्ने, हुण तेरे ते मेरे विच बहुता अंतर ही है नहीं, हुण मंगण मंगाउण दीआं गल्लां मुक गईआं। ते महाराज कहन लगे मरदानिया, फिर उसे गल ते आ रब दे डूम वाली गल, जे मैं रब दा बंदा तू मेरा बंदा, हुण अंतर वाली कहानी कोई नहीं, तेरे ते मेरे विच फर्क ही होई इक हो गए। गुरमुखो जदों रब दी समझ मिल गई, वह आनंद मिल गया, रस मिल गया, ते उन्हां पीरां फकीरां ने दौलत दी बजाए परमात्मा मंगिया। राज न चाहूं मुक्त न चाहूं, सतगुरु नहीं चाहिदा राज पा, किधरे मैनू तेरे तो दूर ना लै जाण। औरंगजेब जदों मरन लगा ना, अखीरी लिखतां दे विचों की लिखदा, कहिंदा हे खुदा तू तरस करी पर किसे नू राजा ना दे, राजा बन के जो पाप मैं कीते ने इस करके मैं कहिंदा कोई होर ना करे, मेरे हत्थों साहिबजादे शहीद हो गए, मैनू पता ही नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी कहिंदे झूठ दे पुलंदियां दे अंदर आ के भौमें दे हंकार दे अंदर मैनू इस कुरसी ने इन्ना क मेरी मत मार छड़ी, मैं भरावां दे कतल प्यो दा कतल इत्थों तक मैं समें दी हकूमत दा हुक्मरान हुंदे होए अवतारी सतपुरशां नूं मिली बख्शिया, इस करके मैं अरदास करदा हां परमात्मा मेरे वर्गे नूं कदे भुल के भी राजा ना बनाए। उहदी अरदास। ते गुरमुखो गुरसिख बंदा जिहड़ा है ना गुरु नूं प्यार करन वाला, गुरु का प्यारा, वो भावें दुनिया ते बहुत कुछ रब ने उन्हूं दित्ता है, वो कहिंदा साईं बहुत कुछ ते है पर सब कुछ तेरे करके हुंदा, जे तू नहीं ये बहुत कुछ भी मैनूं चंगा नहीं लगता। गुरु कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, कदे प्रसादी हाथी चौर करता है ते सोने की चौकी पैरां च हुंदी जिथे सतगुरु जी चरण रखते, ते कदे लैणा लगियां हुंदियां ने दर्शन करन वालियां दियां गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दर्शन करदे, समां है ना सिर ते चौं झुलदा, खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, अजे भी समां आ गया जिथे मत्था टेकण वालियां दियां लैणा लगियां सन, अज परिवार भी कोल, बच्चे भी शहीद हो गए, साहिबजादे माता गुजर कौर विछड़ गए, गुरु के प्यारे लाल विछड़ गए, पंथ खेरू खेरू हो गया, किथे लैणा लगदियां सन मत्थे टेकण वालियां दियां, अज माछीवाड़े दे जंगलां च दाता कल्ला ही सुणदा है विराजमान। किन्ना प्यार कीता सन
सिखो राज तुसी मन कलगी भी ला के सिखा के सिर पर बन दिती, जोड़ा भी उतार दिता नंगे पैरी चले सतगुरु। ते अखीरी वो गीत भी गाते हैं मित्र प्यारे को हाल मुरीदा का कहना, ये मेरे मित्र प्यारे साई मेरे परमात्मा मेरे दिल की एक पीड़ा वो एको ही है, तुद बिन रोग रजाइया का ओडन, जो रजाई लैके ओढ़ के सौ जाना तो रब विसर जाना से घड़े के उठा पांच मिनट होर सौगी दस मिनट होर सौगी करद्या करद्या बंदे का अमृत वेला निकल जाता दस बजे अखा खोल गए बढ़ गए ना नाग निवासा दे रहन। सतगुरु जी जे तेरी याद नहीं तेरे तो बिना यह निकी रजाई जी सप्पा के जंगा की तरह मैं दसती नाग निवासा दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिन कसाइया का सहना, जे तेरी याद अंदर नहीं अमृत वेले का नितनेम नहीं गुरमुखो कोई बाणी ते बाणा नहीं। सतगुरु जी कहते मैं इंज भासदा है ये प्याले ये खंजर की तरह बिंग कसाइया का सहना कसाई का बिंगा छुरा जिस तरह एक बकरे को तंग करता है मैनू ये तेरे तो बिना विछोड़ा नहीं चलिया जाता ये तंग करता है। अगली गल सतगुरु कहते यारड़े का सानू सत्र चंगा। सतगुरु जी जे तुसी मेरे हिरदे विच हो ना भावे परिवार विछड़ गया आनंदपुरी चली गई विछड़ गया सारा अज कंडिया की जी सेज मिली है मैं माछीवाड़े के जंगलों च यारड़े का सानू सत्र चंगा तू मेरे हिरदे च है मैं ये भी चंगा है ते जे तू नहीं ते दुनिया के जिन्हें ऐशो आराम ने भट खेड़िया का रहना ये भट्ठी नालों भी पैने भट्ठी च सड़ के मर जाना मैं कबूल है पर जे तेरी याद नहीं ये कोठियां ये कारा ये महाले किसे काम दे कृपा कर शुकराना ही है ना सच्चा। जिस तरह मैं पहले बेनती कर चुका गुरसिखो प्यो की दित्ती हुई जायदाद को प्यार करना भावे अज रब ने कोठियां कारा के मालक बनाता है पर मेरे कुछ वीर ऐसे ने अपने पुराने घर को बड़ा प्यार करते ने यह मेरे प्यो की जायदाद है इन्हू संभाल के रखना। अज भी गुरसिख ने मेरे गुरु नानक ने जायदाद दी बाणी मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दिता बाणा ते जिहड़े गुरसिख ने ना सपुत्र वो कहिंदे संभाल के रखना इन्हू जान नहीं देना भावें अमरीका की धरती पर बैठे ने कनेडा बैठे ने पर उन्होंने पंचा ककारा तो बिना कदे भी अपने जीवन को हंडाया नहीं। ये मेरा जीवन है ये मेरे प्यो की जायदाद है ते जिहड़े मनमुख सी ना विखावे वाले वो कहिंदे हुण मॉडर्न जमाना आ गया दाड़ियां बना दिओ पग्गां ला दिओ टोपियां पा दिओ हुण जमाना बदल गया है मॉडर्न जमाना आ गया है। जिहड़ियां भैणां धीआं साडे प्यो नूं प्यार करन वालियां सन पढ़ो वीर मन्नू दी जेल नूं सवा सवा मन दे पीसने पीसे अरदास करदे ना आपां खन्नी खन्नी ते गुजारा कीता ते छे छे महीनों के शहीद बच्चे दो दो महीनों के लकड़ से रख के उन्हों टोके के नाल वढ़ के उहदियां नाड़ियां का हार पू के साडी मां दे गल च पाया गया पर साडियां मावां ने अरदास पता की कीती चार पैर दिन सुखां दा लंघिया सतगुरु चार पैर जिहड़ी रात है ना उह सुखां दी बसर हो जाए। वेखो पुत्तां दे टोटे कर रहे जलाद ते साडियां मावां दी अरदास वेखो ओ जिहड़ियां सपुत्रियां ने अज भी पंजां ककारां नूं ते बाणी पंजां बाणियां नूं पंजां तख्तां नूं पंजां प्यारियां नूं दिल च लै के बैठियां ने ते जिहड़ियां मॉडर्न हो के मनमुख बन गईआं ने उहनां ने पटे करा लए उहनां चुन्नियां ला दित्तियां शर्म गई घर आपणे पत उठ चली नाल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਕੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਪਤੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
मैं अपने बड़ियां की जमीन जायदाद संभाली, विरसा संभाला, साडी मां ने बाणी संभाली, सानू बाणा मिल गया, उन्हें चुन्नी संभाली, सानू पग मिल गई, उन्हें उड़ा संभालिया, असी जूड़े दे धारनी हो गए, उन्हें सिमरन किया, सानू सेवा मिली, उन्हें ग्रंथ जीवन बना लिया, ते मैं पंथ की खातर कुरबान बोली बंद बंद कटवा दिता। ते जदों दी मां ने कूड़ा छड़िया, ABC आ गई, अंग्रेजी आ गई घर दे विच, पंजाबी असी छड़ छड़ी। अजे बाद ते जाके वीर पंजाबी नूं प्यार करदे, आपां इत्थे बिलकुल नहीं करदे। साडे घरां च पंजाबी दे बोर्ड, साडे व्याहां दे कार्ड अंग्रेजी च, सारा कुछ बदल गया। साडे सिरां ते टोपियां, साडे बच्चियां दे पटे परवटे मुन्ने गए, खत्म हो गया सारा। नाई चंगा लगन लग गया, अमृत छकना सी, भोजन केवल रोटी खानी सी, असी शराबिया ते होरां दी संगत करन लग गए, ते बिना मास तो साडे ते विआह ही नहीं। जिन्ना चिर 400-500 बकरा ना मार दिता जाए, उन्ना चिर ते धी पुत दी अरदास नहीं होंदी। अपने पुत्तां दीआं अरदासां करन वालिओ, दूजिआं दे बच्चे मार के खाओगे ते कदे भी सलामती नहीं आउंदी। दया ते करनी पैणी, जे दूजे दे बच्चिआं ते दया नहीं, ते तुहाडे बच्चिआं ते दया कौण करे। धर्म दया ते खड़ा है, धौल धर्म दया का पूत, धर्म दया का पुत्र है, ते हुण दया ही है नहीं, ते धर्म नूं कित्थों पैदा कर दोगे। जम्मण वाली मां ही है, असीं ते पशु पंछियां नूं भी नहीं बख्शिआ। शुकराना ही है, सतगुरु जी तुसी मैनूं ग्रंथ दित्ता, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो, मैं मन लिया, मेरा गुरु ग्रंथ है, मैं किसी होर दा पुजारी नहीं। ते जदों मेरा ग्रंथ जीवन सी ना, मेरी मां बाबा दीप सिंह वर्गे पुत्र पैदा कर दी, भाई तारू सिंह वर्गे पुत्र पैदा किए उन्हें। अज जदों दा ग्रंथ जीवन नहीं, अज जय जी वैस जम गए, टपूसियां मारते फिरते ने, उन्हां च टिकाओ कोई नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं। उन्हां धर्म की है, वो कहते अज जमाना बदल गया जी, मॉडर्न जमाना आ गया। ओए गुरमुखा, गुरसिखी जिहड़ी है ना, ये मॉडर्न नहीं है, ये आदि सच जुगाद सच है, ये सच नानक वसी भी, ये 500 साल पहला भी होगी सी, अज भी होगी। तू 500 साल पहला भी बदलिया, कदे मलक भागो तो ठग बनिया, ते कदे सज्जन बनिया, अज फिर तू उतना करता फिरदा। बदलिया है, जे तू बदलिया है, सिखी नहीं बदली, सिद्धांत नहीं बदल लगे, ये रहेंगी दुनिया तक इस तरह ही रहेंगे, मेरे गुरु ने खालसा साजिया। ते गुरु कृपा करन, गुरमुखो जी शुकराना है, मेरा वीर कर रहा है ना, आपां भी ते करिए ना, जिन्ने बैठे शुकराना कला ये नहीं कि आपां पाठ करा लिया जां कीर्तन करा लिया, यही है सब तो वड्डा शुकराना है, गुरु ने दिते हुए हुक्म नूं मनना। अखंड पाठ कराया, कीर्तन कराया, मेरा जीवन बन गया। ते जे जीवन ही नहीं बनिया, ना कीर्तन करन वाले नूं कोई लाभ, ना कराउण वाले नूं, ते ना सुनण वाले नूं। फायदा ते तां है ना, सुनिया जिहड़ा सुनिया, मन्निया, मन कीता भाव, सुन उहनूं मन और अंदर वसा, ये शुकराना ही। गुरु कृपा करन, अमृतधारी बनो, बाणी ते बाणी नूं प्यार करो, जे तुसीं नहीं करोगे बच्चे कित्थों करनगे। आने वाले 20 साल असी हजारों के बच्चों फिर सिख विख्या करा, क्योंकि साढ़े बच्चों ने टोपियां पाया चंगिया समझ लिया, वह जहाँ साडा सभ्याचार जिदे तो बिना साढ़े विआह नहीं होंगे। की चलता किसी धी भैन का, मैं कहना ना गाँव वाले के घर जाने की माँ नहीं है, जा भैन है, तो जा शर्म है, एक गल है। जे होंगी जो अज लज्जर पूना गाया जा रहा है, इन्हें नहीं सी गाना, इन्हों पता सी मेरी भैन भी नहीं कि सुनती होगी, ये जो असं TV चैनलों पर विखा रहे हैं, मैं रखड़ी बनने वाली भी तो वेखती होगी, मेरी जम्मण वाली भी तो वेखती होगी, कि साडा पुत्र किधर को तुर पिया, ये किसे की सेवा कर लगा।
पर देन कितना दी साड़ी जदों असी चार चार लाख रुपया दे के बड़ी सानू शौकत ना कहिंदे लाणा गीतकार दवाया हुंदा की 80 साल दे बुड्ढे भी टपूसियां मारन लग जांदे ने मैं माफी मांगदा उस गीत ने इन्नी क मत खराब कर दित्ती 80 साल दा बजुर्ग भोली बैठा मेरा धौला झाटा मैं की करदा पिया भुल गया जी वो भी नचण लग गया पर जदों मेरे बाबे ने गाया तां गुरु नानक साहब ने 8 साल दा बच्चा इन्ना कु बच्चा हो गया गुरु नानक ही कहण लगे तू ते बाबा बुढ़ा तू ते बजुर्ग है उम्र 8 साल दी है पर है तू बजुर्ग उम्र 6 साल दी है तू बाबा है बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की करांगे इन्हां उम्रां नूं जे साडी मत असीं गुरु तों कुछ प्राप्त नहीं कीता सतगुरु जी कृपा करन थोड़ा जिहा अपने आप नूं जरूर संभालिए नहीं ते परजा इहदी ज्ञान बिन वाली कहानी बन जाए दूजी बेनती अखीर विच करदे आ अज ना वोटां दा जिक्र बड़ा बचा है मैनूं राजनीतिक ना समझ लैणा मैं पिंडां थावां ते रोज संगतां दे विच विचरदा ते जिहड़े मेरे वीर 500 ते नोट ते शराब दी बोतल ते बदले बैठे है ना मैं कहिंदा जमीर दी आवाज सुनो जदों किसी नूं मारना होवे ते दुश्मन ते कदे गोलियां नहीं चलाई दी कदे टकुए नहीं चक्की दे ओहदे पुत्र नूं ओहदे ओहदी वंश नूं दशई बना दिओ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਣਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਸ਼ੇ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਸਾਡਾ MLA ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਰੰਭੇ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰੀਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਖੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ
शुद्ध प्राणी जाता भी नीले नूं है भी शीतल है तो बड़ा ही निर्मल है पवित्र है जीवन दान दिता है अग जी अटांत जाती है पर आप भी सड़ती दूजे भी सड़ती उच्चे का की दीवे के गुण की कहते फिर बहु रंगी एक रंग हो सबना अंदर इको जाए ये जोड़ा मर्जी रंग पा दे उतना ही हो जाता विचकरा कोई नहीं करता फिर कहते जिन्हों धुप्पे रख दौ तो तप जाता है छावे रख दो तो ठंडा हो जाता छावे ठंडा बिरती हानि तपता परोपकार को परोपकार करने गुरसिखा गुरसिख की यह निशानी है उसका सब तो पहला गुण है नीवे नूं जाना अपने आप से निर्माणता रखनी उसका दूसरा गुण है सच बोलना तीसरा गुण है उसके कोले मिठास मिलती है गुरसिख के कोले अमृत के विच की पाया जिहड़ा अमृत आप छकते हैं सतगुरां ने पहले पानी पाया उसके उत्ते बाणी पढ़ दी विच पतासे मिठास पा दी कहिंदे लै तिन्ने गुण तेरे अंदर पा दिते निम्रता सच मिठास ये तिन्ने गुण तेनू दे दिते हरिमंदर साहब जाओ पहले पानी मत्थे लगदा बाद बाद विच पहले पानी च इनान कर अज ते ज्ञानी कहिंदे लोड़ ही नहीं इनान करन दी महाराज कहिंदे कारे की इनान सिमर प्रभु अपना रामदास सरोवर नहाते अर्थी बदल छड्डे नहीं उहदे इस सरोवर की गल ही नहीं करते नहीं गुरमुखो पहले बाणी च इनान कर पानी च फिर बाणी च कर बाणी पानी नाल तेरा तन निर्मल हुंदा है बाणी नाल मन हुंदा है दोवां दी नूं सतगुरु जी कृपा कर महाराज कहते पानी वाले गुण सिख नीवे नूं जाना सिख अजे जे तू इन्ना आकड़े तेनूं कितियां कथा कहानियां सुना दियां फिर भी नाई नूं पैसे दे जांदा कसाई नूं भी दे जांदा कदे ख्याल ही नहीं कीता मेरा सरूप जे निर्माणता हुंदी तू डौल हुंदो ते गुरु जरूर लोड़ कर दिंदा तू अमृतधारी होना सी पर होया नहीं क्योंकि तू अजे डौल ही नहीं हुंदा थले ही नहीं निम्रता है सतगुरु जी कृपा करना भाई साहब भाई गुरदास साहब जी के बोल आप जी के नाल सांझे करके उपरंत एक बसंत दीवार की पौड़ी है जो हरिमंदर साहब जी की मर्यादा है ये दो महीने बसंत राग पढ़िया जाता है फिर बसंत दीवार जरूर पढ़ी जाती है कीर्तन के नाल महाराज रहमत कर तुहाडे जीवन च बसंत बन जाए गोर सिखे निशानी Thank you.
राम करी महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज से तीवर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।